जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अभी इमरान खान और बाजवा के बीच खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि अभी पीछे इन्होंने बहुत से अधिकारी नैब में और आईएसआई में बहुत से उच्च अधिकारियों का एक पदस्थापन किया था। उसमें कुछ एक अधिकारियों का नाम दिया था इमरान खान ने, जबकि बाजवा ने अपने चलाते हुए वहां पे किसी भी अधिकारी को इमरान खान के दिए हुए अधिकारी का नाम उसमें उजागर नहीं किया और ना ही उनको कहीं लगाया। तो दोस्तों इनकी खींचतान हो चुकी है शुरू, क्योंकि हमेशा से इनका रवैया रहा है कि पाक आर्मी ही पाकिस्तान को चलाती है, कोई भी हुक्मरान हो उसकी नहीं चल पाती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, इसमें पाकिस्तान के इमरान खान की चमची आई हुई थी, वो कैसे गए बगाए ताकने लग गई। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग, मुल्क के दो बड़ों के दरमियान नए डायरेक्टर जनरल ISI को लेकर मामला सोशल मीडिया से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया है, और वो कोई और नहीं खुद वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात लेकर आए हैं। अगरचे उन्होंने मिलिट्री और सिविल सेटअप के दरमियान खुशगवार और मिसाली ताल्लुकात के बारे में बात की, क्या कहा जरा पहले ये सुनिए। रात को वजीर आजम साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो, और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक़ राय है, उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात को यह वज़ीर आज़म हाउस और GHQ के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात का तासुर आखिर देना क्यों पड़ा? 5 दिन पहले पाक फौज ने आला सतह के तकरर और तबादले किए, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स को कोर कमांडर्स के अहदों पर लगाया गया। इन्हीं पोस्टिंग में पाकिस्तान के सुप्रीम खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल का तकरर भी था, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की एक प्रेस रिलीज जारी हुई। और ये प्रेस रिलीज जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाक फौज का तर्जुमान इदारा ISPR था। लेकिन फिर उसी रोज़ से ये सोशल मीडिया पर भी ये खबर गर्दिश करने लगी कि DGISI की तैनाती चूंकि वज़ीर आज़म का इख्तियार है, इसलिए अभी तक उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इस खबर की तस्दीक होती गई, और आज 5 रोज़ के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग देने सामने आए, तो उनकी ब्रीफिंग का जो आखिरी टॉपिक था वो DGISI की तैनाती पर ही था। इससे पहले इसी मामले को लेकर गुज़श्ता रात आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है। ISI के सरबराह की तैनाती अगरचे वज़ीर आज़म का इख्तियार है, मगर हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की तैनाती फ़ौज के सरबराह के मशवरे के बग़ैर नहीं हो सकती। DGISI वज़ीर आज़म से हिदायत लेता है, मगर वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत आर्मी डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है, लिहाजा ये फ़ैसला किसी भी एक बड़े की पसंद या नापसंद से मुमकिन नहीं है। इमरान खान की हुकूमत को 3 साल गुजर गए और अभी तक फ़ौज को लेकर ऐसा कोई तनाज़ा सामने नहीं आया, बल्कि अपोजिशन इनके मिसाली अच्छे ताल्लुकात पर इल्ज़ामात ज़रूर लगाती आई है। ये पहला वाक़या है कि अभी तक ISPR की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ की तौसीक वज़ीर आज़म हाउस से नहीं हुई है। अच्छे ताल्लुकात का हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ गया, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया जो इस सारे तनाज़ा कह लें या कन्फ्यूजन कह लें जिसकी वजह बना। आप ये कोई 1-2 दिन की मुशावरत नहीं थी, ये पिछले कई महीनों से ये मुशावरत चल रही थी। तो ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई, आप लोगों की तरफ से फिर ये तासुर मिला, हुकूमत की तरफ से आज तक यही तासुर मिल रहा है कि ये प्रेस रिलीज मुशावरत के बगैर जारी हो गई। देखिए बात यह है कि जो असल चीज है वो है कि इस वक्त हम एक बहुत ही सेंसिटिव सिक्योरिटी सिचुएशन में, अफगानिस्तान आपको पता है
कि किस हालत में है इस वक्त, एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ ह्यूमैनिटेरियन होने वाला है। अगर वहाँ हो गया तो वो सारा इन्फ्लक्स आपको पता ही यहाँ आएगा। इस सूरत हाल को देख के बहुत से फैसले जो है उनको रीथॉट, रिवाइज, रिविजिट करना पड़ता है, क्योंकि हर रोज सिचुएशन सारे फैसलों को मेरे ख्याल में इन सारे फैसलों को मद्देनजर रख के ही ये प्रेस रिलीज जारी की गई, और जो तायुनातियां करनी थी, तकरूर तबादले करने थे, वो इन हालात के मुताबिक ही मेरे ख्याल में किए गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका ख्याल अपना ख्याल है, इसी तरह मेरा ख्याल मेरा ख्याल है, और इसी तरह इदारों का और जो है प्राइम मिनिस्टर उनके ख्यालात है, और ख्यालात जो होते हैं बेहतरीन बहन भाई एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं उनके मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, लेकिन वो बैठ के डिस्कस करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बाद जो एक फैसला निकलता है उसके अंदर हर एक की राय शामिल होती है, वो एक तो बेहतर फैसला होता है और उस पर ओनरशिप भी आती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, या तीन नाम भेजे गए इसके बावजूद तनाजिया जो सामने आया या जो मामला सामने आया इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं जी, मेरा ख्याल है जो प्रोसीजर तो खैर फॉलो होना ही होना है, और कानूनी तौर पे जो फैसला होना है या हुआ है, नहीं होना है ना, मतलब द पॉइंट इज के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कानूनी तौर पे फाइनल जो उनकी होती है सिलेक्शन वो होती है। तो तीन नाम प्राइम मिनिस्टर के सामने रख दिए गए हैं, बिल्कुल रखे होंगे, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के हर नाम पे कुछ कमेंट्स थे, उसी तरह हर नाम पे उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के भी कमेंट्स थे, और उन्होंने इकट्ठे बैठ के हर चीज को, हर नाम को डिस्कस किया है, और अब जो फाइनल फैसला होगा वो प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर तौसीख कर देंगे। ये फाइनल फैसला इस प्रेस रिलीज के अलावा भी कुछ हो सकता है? देखिए, जब रात को उनकी एक लंबी बातचीत हुई है तो हालात जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरनाइट चेंज हो रहे हैं, और अगर कोई ऐसे बातचीत हुई है जिसके अंदर ये लगता है कि जी हमें एक चाहिए फैसला ऐसा जो के हालात और बदलते हुए हालात के मुताबिक होगा, तो वो भी हो सकता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी सवाबदीद है। जी हाँ बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की अपनी सवाबदीद है, उनका इख्तियार है, उनकी अथॉरिटी है, लेकिन ये डिले आप ये कह रही हैं हालात की वजह से आया, हालात का जायजा लिया जा रहा था, मुशावरत हो रही थी, लेकिन ये आपको नहीं लगता ये सवालात इसीलिए उठे कि प्रेस रिलीज बाद में आ गई, नोटिफिकेशन आज तक, अभी जब तक मैं आपसे प्रोग्राम से बात कर रही हूं अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्या मामलात सुलझ गए हैं? देखिए बात क्या है, आप लोग यूज टू है कि यू नो विन लूज, अच्छा ये अभी होगा ये अभी होगा, ये मामलात जो इतने हाई लेवल के और सिक्योरिटी के ये ऐसे ही होने चाहिए। आप अपनी तजवीज पेश कर रहे हैं, मैं उस पर गौर करती हूँ, मैं अपनी तजवीज पेश करता हूँ, फिर मीटिंग होती है, फिर रीडिस्कशन होती है, फिर सोचा जाता है, फिर ये नाम आता है, फिर वो नाम आता है, और फिर जाके उस पर तंज होती है। ये मिसाली जो है कंसल्टेशन का, मशावरत का, शराकत का एग्जाम्पल। बात ये है आप हम पे डाल रही है, ISPR की जानिब से कोई किसी और इदारे ने तो नहीं की ना, ये ISPR के इदारे ने ही प्रेस रिलीज जारी की जिसमें हमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है वो नए DGISI होंगे। अब आम बंदा तो यही समझेगा ना कि इस नए इदारे का, इस इदारे का जो नया सरबरा है वो नया नई शख्सियत सामने आई है, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे कि कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज से नाराज हैं, प्रोसीजरल लैप्स हुए हैं। अगर इतना सेंसिटिव मामला है और अभी मुशावरत चल रही थी तो फिर ISPR को ये प्रेस रिलीज जारी करने की नौबत ना आती ना, फिर तो सब कुछ मुशावरत के बाद होना चाहिए था। अब आपने इतना लंबी तमहीद बांधी है तो मैं आपको सिर्फ यही कह रही हूं कि ये सेंसिटिव मामला है, कल जो बात सही थी वो आज शायद सही ना हो, ये इवॉल्विंग मामला है और इसके अंदर गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए और हमेशा एक थॉट आउट प्रोसेस होना चाहिए। ये तो एक अकलमंदी का इजहार है कि जी आप बस एक चीज को लेके नहीं बैठ गए, आपने उसको खुला छोड़ा, आपने कहा नहीं कल हमने ये सोचा था, आज ये फर्क हुआ है, आज हमें रिकंसिडर करना चाहिए, कहीं हम गलत फैसला ना कर लें, हमें और मशावरत करनी चाहिए, इस पर और डिस्कशन करनी चाहिए। तो अगर ये हो गई है
तो बजाय इसके अप्रिशिएट करने के आप कह रहे क्यों हुआ, क्योंकि आप यूज्ड टू है। हम यूज कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं जो एक प्रेस रिलीज आ गई और पूरी कॉम को पता चल गया कि नए डीजी आईएसआई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब होंगे। उस बुनियाद पर सवाल उठे, कन्फ्यूजन पैदा हुई और खबरें सामने आई। हमने तो हम आप लोग मीडिया पर मलबा डालने की बजाय आप लोग ये देखा करें कि आप लोगों की तरफ से कहाँ पर कोई डिले हुआ है, नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं हुआ इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं। वो वजूहात आप ना बताना चाहें वो अलग बात है, लेकिन मीडिया पर हर चीज़ डालने की जो तहरीक इंसाफ की आदत है ना, इसको खत्म होना।